यातायात पुलिस ने शनिवार को स्कूली विद्यार्थियों, बाल वाहिनियों और ऑटो चालकों की समझाइश का अभियान प्रारंभ किया। यह अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत यातायात पुलिस के जवान और अधिकारी छुट्टी के वक्त स्कूलों के बाहर खड़े होकर विद्यार्थियों और अभिभावकों को यातायात नियमों की पालना का पाठ पढ़ाएंगे। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को लाने ले जाने वाले ऑटो और बाल वाहिनियों को हिदायत देकर निर्धारित क्षमता से ज्यादा विद्यार्थियों को नहीं बिठाने के लिए पाबंद करेंगे। यातायात निरीक्षक टोलाराम ने बताया कि अभियान के बाद बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और मुंह पर कपड़ा बांधकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे जाएंगे। वैन और ऑटो चालकों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। विशेष अभियान चल रहा है जिसके तहत हम सभी बच्चों को, जो सीनियर बच्चे हैं उनको, लड़कों को हम हेलमेट लगाकर टू व्हीलर चलाने व लाइसेंस लेकर ही वाहन चलाने के हम समझाइश का दौर चल रहे हैं और ये हमारा 7 तारीख तक ये अभियान चलेगा। और आज हमने अवकाश के दौरान जो स्टूडेंट के गार्जियंस हैं उनको भी हमने समझाइश किया कि आप अपने बच्चों को हेलमेट और लाइसेंस बनवाने के बाद ही वही वाहन देवे स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए।